राम आते हैं और पूछते हैं कि हमारे पिता का चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है, क्यों मूर्छित है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, कैकेयी कहती है कि अब राज्याभिषेक भरत का होगा राम। खुशी के मारे आनंद में झूम उठते हैं राम कि राज आज मेरे सामने भरत का होगा, अति उत्तम। मैं राज करूं या मेरा भाई करे, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन कहते हैं, अब तो बताओ कि मेरे पिता का चेहरा क्या मुरझाया है। मेरी मां कहती है, मैंने राम का राज्याभिषेक होने के साथ साथ 14 वर्ष का आपके लिए वनवास भी मांग लिया है। आपको कोई दुख होगा, ऐसे माता आपके पुत्र हो तो भारत में फिर से सतयुग आ जाए। एक तरफ पिता मूर्छित पड़ा है, बदहोश है, दूसरी तरफ उल्टा कैकेयी कहती है, राम तुम्हें कोई दुख है क्या? इतना दुख होने के बाद में भी राम ने कहा कि सुन जननी सुई सुत बड़ भागी जे पित मात चरण अरे माँ धन्य है वो पुत्र जिसे माता पिता की सेवा का सुंदर अवसर मिला। इतने दुख की घड़ी है फिर भी धर्म पे मर जाना नहीं शर्म की बात। एक वो राम है और आज के राम की बात करें। एक बूढ़ी माँ 10 बच्चों का पेट भर सकती, लेकिन 10 बच्चे एक बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर सकते। कहीं हम कथा कर रहे थे, भोजन करने के लिए बैठे, संत का स्वभाव है पहले दूसरे को प्रसाद देना, बाद में खुद खाना, नहीं तो हर हर महादेव। बूढ़ी माई को मैंने कहा, मैया भोजन कर ले। माँ कहने लगी, बाबा आज मेरा उपवास है। अरे माँ आज ना तो तीज है, ना कोई त्योहार है, ना एकादशी है, ना शिवरात्रि है, किस चीज का उपवास है? माँ कहने लगी, बाबा मेरे 2 बेटे हैं, 15 दिन का भोजन मैं एक बच्चे के घर करती हूँ और 15 दिन का भोजन मैं दूसरे के घर करती हूँ। बाबा आज 31 तारीख है, इसलिए मेरा उपवास है। 15 दिन का भोजन एक बेटे के पास, 15 दिन का भोजन दूसरे के पास, आज 31 तारीख है भगवान, इसलिए आज का दिन परमात्मा के पास। कितना दुर्दैव लगता है कि ये वो राम की धरती है, ये वो कृष्ण की धरती है। बैकुंठ में किसी चीज की कमी नहीं है महाराज, संत का सानिध्य, गुरु की कृपा और इन माताओं के प्रेम को पाने के लिए भगवान स्वयं मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं और हमारे पुत्र इन्हें नहीं समझ पाते, इसे कितना बड़ा दुर्दैव कहा जाए। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का अभाव है। स्वीकार किया है, उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे, वनवास जाने की तैयारी कर। लक्ष्मण जी का आगमन होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप, बोले मेरा वनवास हो गया है। लक्ष्मण ने पकड़ लिया है हाथ, कहा मैं भी जाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया वनवास तो माँ ने मेरे लिए मांगा है, लेकिन आप कैसे जाओगे? बोले नहीं। अरे भैया यहां शब्दों पे ध्यान देना जरा सा, मर्यादा रामायण के अवतार रहते हो। हरि जी
कि 14 बरिस राम वनवासी, न जानकी को वनवास मांगा गया ना लक्ष्मी। लक्ष्मण जी कहते मैं भी चलूंगा। बोले आप कैसे जाएंगे, क्या तो मर्यादा है, भी विवाह हुआ है, उर्मिला का क्या होगा। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आपके चरणों में जीना है, मुझे जाना है। महाराज लक्ष्मण से भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अब आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपकी जीवन संगिनी उर्मिला से भी पूछ लेना। लक्ष्मण जी ने जाकर के उर्मिला से कहा कि मेरे बड़े भैया का वनवास हो गया है, मुझे भी उनकी सेवा में जाना है, मेरा भाई दुखी रहे और मैं राजमहल में सो ये मुझे उचित नहीं लगेगा, मुझे तो वहीं रहना चाहिए, उसी हालत में रहना चाहिए जिस हालत में मेरा भाई हो, क्योंकि भाई तो वही है जो भय से मुक्त कर दे, जो भयभीत कर दे वो भाई नहीं हुआ करता। उर्मिला ने कहा स्वामी आप जाओ, एक वर्ष नहीं 14 वर्ष मैं इस द्वार पे खड़ी होकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन आप अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपनी सेवा भावना से मत करना, आपका भाई है, और अगर आप अपने प्रभु की सेवा करोगे, भाई की सेवा करोगे, उससे बढ़ करके कुछ नहीं है। ऐसी बहू ये घर में आए तो आनंद बरस जाए। हाँ तो एक भाई का विनाश हो तो दूसरी हंसती है। जेठानी ने 2 गिलास में दूध डालना चालू करना है, एक में अपने बेटे के लिए, एक में देरानी के लिए, तो वह नहीं सोचेगी कि उसमें दूध दूध पानी वाला उधर चला जाए, मलाई मेरे बच्चे में आ जाए। ये कलयुग, मलाई मेरे में आ जाए और पानी वाला उसके बेटे में चला जाए। अपने बेटे को मलाई खिलाना, दूसरे को पानी पिलाना। फिर ये भारत की संस्कृति कहाँ है? यही भावना पहले हृदय में धारणा बनती है, फिर बात जुबान पे आती है, जुबान से उठकर यही हाथ जो भाई के पैर छूते, यही आंखें जो भाई के सामने कभी उठती नहीं, यही आपस में युद्ध करने लगते हैं और बात कोर्ट और कचहरी तक जाती। इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं। और यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगा। रामचरितमानस में जानकी से भी बड़ा त्याग उर्मिला का माना गया। क्यों? 14 वर्ष तक उर्मिला लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। जानकी कहती है मैं भी चलूंगी, राम कहते नहीं तुम कहां जाओगी मेरे साथ, जिस जंगल में जाओगी घोर कठोर सिंह जंगल है, कैसे रहोगे आप, कैसे चलोगे मेरे साथ, नहीं पत्नी हूं मैं आपकी, जीवन संगिनी हूं मैं आपकी, अग्नि के फेरे लेकर शपथ लिया है कि सुख दुख में मैं आपके साथ ही रहूं। क्या पतिकाल पर किए चारी धीरज धर्म मित्र यरुना। मुसीबत के दिन में धीरज धर्म मित्र और नारी की पहचान होती है। और जानकी पतिव्रता नियम को ध्यान में रखते हुए वहां से निकली है, लेकिन हद हो गया जब केकई ने कहा कि इसके भी वल्कन वस्त्र पहने जाएंगे।
केकई ने कहा सबको अगर तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वन वासी, जानकी तुम्हें भी वल्कन वस्त्र पहनना पड़ेगा। वशिष्ठ ने कहा नहीं जानकी, ये मर्यादा के विशुद्ध हम नहीं सुन सकते, तुम इन्हीं आभूषणों में इन्हीं वस्त्रों में। सुमंत्र के साथ भगवान वनवास के लिए गए ना, सारे लोग चल पड़े हैं महाराज, और आज अयोध्या में कोई नहीं बचा है, सब राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और गोस्वामी जी ने अयोध्या को शमशान के जैसा बता दिया। तो कहते हैं भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, थक गए हैं। भगवान को लीला करनी है ना, संध्या काल का प्रहर है, सोने की व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही अयोध्यावासी सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के समेत सुमंत्र के साथ निकल जाते हैं। भगवान चले जा रहे हैं, रास्ते में जो लोग देखते हैं, मेरे भाई बहन, आज आदमी दो चीज से डरता है, एक समाज से, दूसरी मौत से। आपके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अगर कहीं समाज में कोई कार्यक्रम है तो आपको उसके लिए धन ला करके लगाना ही है, चाहे ब्याज पे क्यों ना लाना हो। भगवान जब निकलते हैं ना, तो वहां पर जो विप्र लोग देखते हैं, ब्राह्मण लोग देखते हैं, वो कहते हैं, गांव में चर्चा हो रही है कि राम सरिस सुत कानन योग, मतलब राम जैसे पुत्र को वनवास देना चाहिए, क्या वो इस लायक है, काह कहीं सुनी तुम कह लोग। राम को वनवास दे दिया ये सुनकर लोग क्या कहेंगे, कौशल्या रुदन कर रही, दशरथ को जगाने की कोशिश कर रही, उठो उठो हो बेग स्वयं कर उपाय, उठहु बेग स्वयं करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। उठो जागो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे इस माथे से कलंक ना लगे, कि जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करी कुल पाल यही भाती तो कलंक जाए, उपाय करी कुल पाल Yeah.
उपयोग करो, कोई ऐसा उपाय करो, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने। भगवान निकल गए, अवधवासियों को सोता छोड़कर निकल गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब लोग उठे हैं, देखते हैं राम नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हरि की कथा में, सत्संग में आने के बाद सोना नहीं चाहिए। भगवान राम चले जा रहे हैं, तीव्र गति को देख करके निषाद राज ने देखा है कि शायद उसकी नगर की तरफ कोई आक्रमण करने आ रहा है। निषाद राज ने युद्ध की तैयारी कर ली पूर्ण रूप से, लेकिन जब उसने भगवान की पावन छवि को देखा, साष्टांग दंडवत किया है और भगवान सुरसरी के किनारे पहुंचे हैं और वहां से आवाज लगा रहे हैं केवट को। लगाइए आवाज भैया, चलेगा कि तस्वीर। केवट को आ लो, केवट नैया को ले आओ। केवट सुन के अनसुनी कर देता है, नाव नहीं लेके आता। भगवान बार बार आवाज देते हैं, केवट सुन के अनसुनी कर देता है। तो मांगी नाव ना केवट आना, तो कहे तुम्हार मरम मैं जान। योगी सिद्ध तपस्वी जिसकी महिमा को नहीं जान सकते, एक साधारण केवट कहता है महाराज कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। मरम क्या जानता था वो, कि छुअत सिला भरी नारी तुहाए, पाहन तेन काट कठिन। प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण रज लगते ही एक पत्थर से नारी उत्पन्न हो गई, कितना वात्सल्य भाव है केवट में। गौतम नारी अहिल्या को तारा है, चरण रज लगते ही गौतम नारी तर गई है। मैंने सुना कि आपके चरण रज लगते ही पत्थर से एक नारी उत्पन्न हुई, तो महाराज मेरी ये तो लकड़ी की नहीं है, इसकी क्या मजा लगे। केवट को वास्तव में भगवान की चरणामति लेनी है और कहता महाराज सुनो, मैं नाव नहीं लाऊंगा और अगर आपको मुझे या मेरी नैया में बैठ के भव पार जाना है, अपनी मन के भाव कहता केवट। अक्सर इस चीज को बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत
मशहूर रही है कि मेरी छोटी सी ना तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोरे ना भला कैसे बैठाऊं अपनी नाम में राम चलते रहो मुझे आपकी चरण की रज में जो जादू है उससे डर है और अगर आपको उस पार जाना है तो थोड़ी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। व्यक्ति से नहीं व्यक्तित्व से प्राम करो, आदमी के गुणों से प्रेम और अवगुणों से नफरत बनाओ, अच्छाइयों को तुरंत स्वीकार कर लो, बुराइयों को टालो, धीरे धीरे छूट जाती है। प्रभु आपको पार जाना है ना, भगवान ने कहा तो क्या मैं उस पार नहीं जा सकता। केवट नहा, केवट ने कहा आप जाओगे और मैं ही ले जाऊंगा, पर छोटी सी मेरी बात मान लो दयालु। एक युक्ति है मन में हमारी, सत्य कहा मैं वचन सप्रीति बार बार रघु पति पद प्रीति कहते हैं तीर्थराज सत्य में यथार्थता में विनम्र मृदुमय वाणी से कहता हूं मुझे बार बार भगवत चरणों में प्रीति चाहिए, दे सकते हो। और यहां तीर्थराज प्रयाग ने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया और कहा